हेलो सीएम में इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए पता है क्या लेके आया हूँ? चमत्कार। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर सीएम में इंटर के लिए पेपर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका बता दो सर, कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। बहुत सारे टीचर ना, आपने देखा होगा, एबीसी एनालिसिस करवा देते हैं, ये पहले चैप्टर कर जाओ वो बाद में, वो तो बकवास है ना। उसमें तो क्या है कि करना तो सारा ही है, छोड़ के थोड़ी कुछ जाना है। तो मेरे हिसाब से एबीसी टॉपिक की कोई मतलब एबीसी एनालिसिस की कोई रेलेवेंस समझ जाती है कि पहले इसको करो बाद में उसको करो, बाकी चैप्टर को छोड़ दो, करके सारे जाओ। और मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देने का लॉजिक ये नहीं है कि भाई ये यही कर जाओगे तो काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक देने का लॉजिक ये है कि आप इन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करना, क्योंकि बच्चे जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या बच्चे अगर इधर उधर से क्लास ले रहे हैं, हमसे नहीं भी ले रहे, उनके टीचरों ने अगर नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट किसको प्रेफरेंस देनी किसको नहीं, पास्ट टेंथ का तजुर्बा देखते हुए मैंने एक रेडी कर दी लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ओल्ड सिलेबस वालों की अलग है, न्यू वालों की अलग है। ये देखो, ये प्रॉपर पूरी एक लिस्ट है। ये देखो प्रॉपर चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर का नाम ये, अंदर ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कंपनी नेक्स्ट चैप्टर है जी, अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे एक लिस्ट रेडी कर दी, सेम ऐसे ओल्ड वालों की, सेम ऐसे ही न्यू वालों की, ओल्ड वालों की अलग न्यू वालों की अलग। अच्छा, और इससे क्या फायदा होगा कि मैंने आपकी चैप्टर वाइज लिस्ट रेडी कर दी है, तो देखो जहां तक मेरा तजुर्बा है इस लिस्ट में से कम 60 नंबर तक का पेपर आपका पेपर में आ सकता है। अब मैं बोल रहा हूं 60 आ सकता है, क्योंकि पास अटेम्प्ट मैंने जब भी दिए इतने का आ जाता है। अब 60 आ सकता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 60 का ही आएगा, हो सकता है 70-80 का भी आ जाए, हो सकता है पूरा 100 का आ जाए, और हो सकता है खाली 35-40 का ही आए। तो मेरे को पकड़ मत लेना, ओ हो सर आपने तो बोला 60 का आएगा, ये का खाली 40 का आया। एक एवरेज है ना, तो मैं एक अंदाजा लेके बोलूँ कि 60 नंबर तक का आ सकता, हो सकता 40 का ही, हो सकता 40 से 60 से ज्यादा का, 80 का आ जाए इसमें से। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ खाली इसको इसके बेस में मत चलाना कि खाली ये रमन सर ने मार्क करवाया तो ये कर जाओ काम खत्म। देखो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई चालू करी ही नहीं है वो लोग गेम खेल सकते हो, आप लोग तुक्का खेल सकते हो, क्या पता आपकी किस्मत साथ दे जाए और आप लोग इस किस को करके चले जाओ, जिन लोगों ने अब तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर पढ़ाई कर रखी है, तो मेरा सजेशन यही है कि इन वाले टॉपिक को जो मैं दे रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में, इन पे फोकस ज्यादा करके जाना, लेकिन छोड़ के कुछ मत जाना, करके सारे है ना, इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखना, बाकी पर थोड़ा कम फोकस भी रख लोगे तो चलेगा, इसकी इंटरप्रिटेशन ही है। और आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे को व्हाट्सएप, अच्छा मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर खाली यही कर लेंगे तो काम चल जाएगा, मैंने सारी चीज क्लियर कर दी है कि काम नहीं चलेगा, ये एक हेल्प कर सकता है, इसमें से ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है, एक तजुर्बा एक्सपीरियंस इतने सालों का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लिस्ट रेडी कर दी है। तो बार बार मैसेज करके मेरे से मत पूछना व्हाट्सएप पे। अच्छा, आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे तीन चीजें लिख के भेजनी है, आपका नेम एक्स वाई जेड जो भी है, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर, एंड आपका पर्पस, पर्पस में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ। आप बस ये तीन चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के दे देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर वैसे तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है लेकिन स्टिल मैं लिख भी देता हूं आपको 8802233513। कॉल मत करना, खाली मैसेज कर देना और ये तीन चीज लिख के भेज देना, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैं आपको ओल्ड और न्यू दोनों की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं होगा पूछने का कि कौन सा ओल्ड वाला बच्चा कौन सा न्यू वाला है। दोनों पीडीएफ के बाद लिखा होगा ओल्ड वाला, ये ओल्ड की है न्यू की है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी वाली पीडीएफ से पढ़ाई चालू कर लेना, ठीक है ना। ये तीन चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के देना, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। और सीएमए इंटर से रिलेटेड मैराथन्स यूट्यूब पे डले हुए हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक। लॉ का मैराथन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है जो बच्चे ग्रुप वन दे रहे हैं, ऑडिट का मैराथन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है जो बच्चे ग्रुप टू दे रहे हैं, और कॉस्टिंग का मैराथन ग्रुप वन की हमारे चैनल पर डला हुआ है। ये तीन मैराथन हमारे चैनल पर डला हुआ है, मैं तीनों मैराथन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और जो जून 23 के लिए अमेंडमेंट्स रेलेवेंट है लॉ की, वो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये चारों चीजें देख लेना, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको हेल्प होगी, ठीक है जी। और चलो, ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा। एंड मैराथन देखना जरूर, नेक्स्ट लेवल मैराथन है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर आपके लॉ का मैराथन इतना खतरनाक होता है कि मतलब हमारे रेगुलर टीचर के जो कोर्स है उससे भी फार बेटर है। अब एक बार देखना, फिर अपने आप देख के बताना कैसा लगा। चलो, लव यू ऑल, टाटा।